दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल सिंगवाली को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिंगर वाले। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके होम थिएटर के इस बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किटिंग आ जाएगी तो आप उस शॉर्ट सर्किट को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे ठीक करोगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सर्किट का मतलब। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए आपका ये मदरबोर्ड है, ठीक है, बार बार आपकी ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस मॉस्फेट के आसपास वाले, ये मॉस्फेट है, अगर इनके आसपास वाले अगर कोई रेजिस्टेंस अगर जल जाते हैं और वो एकदम काले पड़ जाते हैं तो आप कैसे उसे सही करोगे। तो क्वेश्चन आपकी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब बहुत बंदे कंफ्यूज हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। मैं बहुत दिन सोचा था कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए लेकिन मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं नहीं बना पा रहा था। आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मॉस्फेट है, पहले क्या क्या फॉल्ट आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ये मॉस्फेट है आपका, ये ब्लैक वाला जो आईसी जैसे, ये इसको मॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये एम्पलीफाई करता है साउंड का, साउंड की जो जब साउंड इसमें आता है तो वो एक लो क्वालिटी में आता है। ये वो साउंड को एम्पलीफाई करके उसको उसकी जो साउंड है उसको बढ़ाता है काफी, ठीक है। सबसे पहले देखो ये रेजिस्टेंस अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या करूंगा दोस्तों कि ये सब रेजिस्टेंस के कलर कोड यानी कि इस बोर्ड का पूरा फोटो चारों तरफ से फोटो में ले करके अपने जो मेरा ब्लॉग है मैं उस ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को देखना हो कि आपके रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है उसके कलर कोड आप वहां से देख सको। और उस कलर कोड के हिसाब से आप एक ऐप में आपको बता दूंगा, उस ऐप का एक लिंक दे दूंगा, उस ऐप के थ्रू जा करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कलर कोड है रेजिस्टेंस का तो उसका वो रेजिस्टेंस आपका इतने ओम्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस चेंज कर दो, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो ये नहीं कि अगर आपकी रेजिस्टेंस अगर काली हो गई है एकदम से कलर कोड नहीं दिख रहा है आप उसे चेंज कर दिए, तो चेंज करने के बाद देखो कंफर्म नहीं है कि आप चेंज करने के बाद आप जब चालू करोगे होम थिएटर तो वो रेजिस्टेंस आपका सही रहे, मतलब कि बचे ऑन करते ही। मैं बता रहा हूँ जहां तक कि होता है 99% केसेस में कि ऑन करते ही आपका जो रेजिस्टेंस, मान लो कि आपका ये रेजिस्टेंस आपका ये जल गया, ठीक है, तो ऑन करते ही ये रेजिस्टेंस फिर से जल जाएगा, ठीक है, ऐसे धुआं फेंकेगा। या फिर ये जो आपका आईसी है ये मॉस्फेट है या फिर इस मॉस्फेट से धुआं फेंकेगा, ये ओवर हीट होगी। तो ये सब जो केसेस होते हैं ये सब शॉर्ट सर्किटिंग के केस में ये ऐसे सब होते हैं। या तो आपका मॉस्फेट से धुआं फेंकेगा तुरंत खत्म हो जाएगा, या तो फिर आपका ये रेजिस्टेंस काला पड़ जाएगा, बार बार आप चेंज करते रहोगे और ये काला होते रहेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप रेजिस्टेंस खरीदना तो एक पीस मत खरीदना, कम से कम 5, 6, 7, 8 ऐसे पीस खरीदना, क्योंकि आपका ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस है तो इसमें आपका हो सकता है बार बार जलता रहे, अगर फॉल्ट नहीं मिलेगा तो बार बार जलेगा, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे बार बार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो इस केसेस में क्या करना होता है, ये था आपका इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपका जब भी पावर सप्लाई आता है, हाँ आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ भी हो सकता है, ये आप देख रहे हो ना, ये ट्रांसफार्मर से ये आपका आया है, ट्रांसफार्मर से आपका सीधे 12 वोल्ट आया सप्लाई, इसके आसपास भी ये भी खराब हो सकता है, यहाँ से वो धुआं फेंक सकता है, ठीक है। ये जो आपका ये डायोड है इनसे भी खराबी हो सकती है, तो ये धुआं फेंक के आप चेंज करते रहो लेकिन ये धुआं फेंक सकता है बार बार। तो इन सब केसेस में क्या करना होता है दोस्तों, इन सब केसेस में ये आपको कैपेसिटर को चेक करना होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कैपेसिटर आपके शॉर्ट हो जाते हैं और आपके बोर्ड में शॉर्ट सर्किटिंग बताने लगता है, जिसके वजह से आप परेशान हो जाओगे लेकिन वो शॉर्ट सर्किटिंग दूर नहीं होगा। तो उसको चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपके सर्किट में कहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग है। जैसे कि ये हमारा मल्टीमीटर, थोड़ा दूर से आता हूँ, इसको मैं सेट कर लिया बजट के रेंज पे, ठीक है, इस पे 1 दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा आप लोगों को भी दिखना चाहिए ना। हाँ तो देखो इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका ये आपका शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों वायर को सोल्डरिंग से बाहर निकाल देना है। सोल्डरिंग से बाहर निकालने के बाद पे एक प्रूफ आपको ब्लैक पे रखना है और एक रखना है इस पे आपका, ठीक है, और इसके बाद इस पे रखना है।
इस पे आपको रख के क्या चेक करना है, एक ब्लैक पे और एक ब्लू पे रख के, ये कोई भी कलर का हो सकता है, आपको मालूम कैसे पड़ेगा? एक आपका ब्लैक रहेगा या फिर कोई भी सिंगल कलर रहेगा, और जो दो वायर रहेंगे वो आपके सेम कलर के रहेंगे, ठीक है? तो होता ये है, जो सिंगल कलर का वायर रहता है वो नेगेटिव रहता है, और ये दोनों आपके पॉजिटिव रहते हैं ट्रांसफार्मर के जो आते हैं। तो यानी कि ये नेगेटिव रहेगा और इसमें 12 वोल्ट आएगा, और इसमें भी इस वायर में 12 वोल्ट आएगा, इसमें भी 12, इसमें भी 12, ये नेगेटिव रहेगा। तो चेक करने का एक ही तरीका है कि आपको मल्टीमीटर को इस पर रखना है ब्लैक पे, और एक इस 12 वाले पे, इस वायर पे रखना है बीच वाले वायर पे। तो आपको यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी बताया गया, यानी कि अगर ऐसा अगर साउंड करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर बीप मारेगा तो बीप मारने का मतलब कि इस सेक्शन में आपका फॉल्ट है, बीच वाले सेक्शन में। अगर इस पे बीप मारा तो मतलब कि इस वाले पे फॉल्ट है। तो आप उसको, ये जो पीछे जो आपकी लाइन गई हुई है, आपको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये सब, ठीक है? तो आपको यहाँ से आपको ट्रेस करना होगा कि सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। जैसे कि आपका ये जो सोल्डरिंग है, ये आपका पावर वायर आपका, तो पावर वाला आपका यहाँ पे है, कहाँ गया ये, ठीक है? इसमें से आपका ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपका देखो चारों तरफ फैला रहेगा, तो आपको नेगेटिव को नहीं छूना है, आपको सिर्फ नेगेटिव पे एक प्रॉप रख करके और यहाँ पे चेक करना है, ठीक है? अभी मेरे में बीप आ रहा है। बीप आने का रीजन ये है कि अभी ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है यहाँ से कंटिन्यूटी ले रहा है, ठीक है? इसीलिए जब भी आप इस लाइन को आपको चेक करना होगा तो इस वायर को निकाल करके, नहीं तो फिर आप कभी चेक नहीं कर पाओगे। तो ये चेक करने का यहाँ तरीका है। और चेक इसमें करना क्या, आपको केवल चेक करना है दोस्तों कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर जब खराब हो जाते हैं तो वो वर्क नहीं करते हैं, वो शॉर्ट के केस में आपको बताने लगता है। तो ज्यादातर इस केस में आपका ये शॉर्ट हो सकता है या फिर ये बड़ा शॉर्ट हो सकता है। अगर ये दोनों शॉर्ट होगा तो आपका ये जो आपके ये डायोड है, ये इसमें धुआं फेंकेगा, ये आपका ओवर हीट होगा, ठीक है? तो इस केस में आपको इन दोनों को चेक करना है। अब इन दोनों को चेक कैसे करोगे, देखो सेम है, बीप बीप की रेंज में रखिए, और इन दोनों का प्रॉप देखिए, प्रॉप कहाँ पे गए, इनकी वायर कहाँ पे सोल्डरिंग है। तो इनकी वायर यहाँ पे सोल्डरिंग है, ये एक ये है, एक ये है, ठीक है? तो आपको इन दोनों पे क्या करना है, मल्टीमीटर उसका ट्रांसफार्मर का वायर निकाल के करना है, ठीक है? ये तो हमेशा बीप आपको देगा, आप कंफ्यूज जाओगे। तो देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, थोड़ा इधर से आता हूँ, यहाँ मल्टीमीटर पे आप देखना दोस्तों, ये मैं देखो ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है? यानी कि लो से वैल्यू हाई पे जाएगी, जिसका मतलब कि आपका ये जो कैपेसिटर है वो सही है और बीप का साउंड नहीं दे रहा है। और अगर उल्टा चेक करोगे तो हो सकता है बीच में बीप का साउंड दे, हो सकता है, ज्यादा केस में देते हैं, लेकिन वो कुछ देर तक देंगे, जब तक आपका ये कैपेसिटर आपका चार्ज रहेगा, जहाँ डिस्चार्ज होगा इसका आपका वो देना बंद हो जाएगा, बीप देना बंद हो जाएगा, बीप देना बंद हो जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे आपका कर रहा हूँ, देखो बीप दिया ना, फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब ये आपका ओके है। अगर इसको आपका टेस्ट करता ही अगर बीप का साउंड दे, तो समझ जाओ कि आपका ये जो कैपेसिटर है वो खराब हो गया है। और उसके बाद अगला कैपेसिटर है आपका ये यहाँ पे दोस्तों, ये और ये, देखो ये भी सही है, ठीक है? वैल्यू आ रही है, जा रही है, ये भी आपका कैपेसिटर सही है। नहीं सॉरी, मैं गलत जगह चेक कर रहा हूँ, ये है देखो, बढ़ी है ना वैल्यू। वैल्यू बढ़ने का मतलब आपका ये कैपेसिटर आपका सही है, ओके है। उसके बाद क्या करना है आपका, ये आपका हुआ, अगर आपका इस सेक्शन में फॉल्ट रहेगा, ये आपका हीट होगा, धुआं फेंकेगा, तो आपको इन दोनों को चेक करना होगा। लेकिन आप इसको भी चेक कर सकते हो, यहाँ से ये फॉल्ट हो, ये भी आपका उसी केस में आएगा, और ये भी खराब होने केस में आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। और चेक करने का सेम आपका है कि आपको मल्टीमीटर को इस पे कंटिन्यूटी पे रख के इन दोनों वायर पे टच करना है। तो वैल्यू आपकी लो से हाई पे जाए, हाई पे जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो मतलब कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी है। देखो ये नहीं बता रहा है, लेकिन बीप के साउंड भी नहीं है, ठीक है? अगर बीप का साउंड निकल गया तो मतलब कि ये शॉर्ट है। देखो वैल्यू आगे चली गई, मतलब सही है। ये छोटे टाइम दिक्कत होती है, वैल्यू आगे चल जाती है। मतलब आपको चेक क्या करना है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, क्लियर कर देता हूँ यार। देखो वीडियो लंबा जा रहा है, वीडियो अभी 9 मिनट का है, और एडिटिंग करते करते 10 मिनट का हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इस वीडियो को भी रोकूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना दोस्तों।
ठीक है, तो ये था आपका इस सेक्शन को ट्रेस करने का, और नेक्स्ट में मैं आपको, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सब ट्रेस करने का दिखाऊंगा।